दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे होंगे। एंड बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग 7वीं 8वीं 9वीं के या फिर 11th के, वो अपने स्कूल्स में अपने कॉलेजेस में नॉर्मल एग्जाम्स देते हैं। तो ये जो एग्जाम्स का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हो गया, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके सभी के एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, किसी के यूनिट टेस्ट एंड किसी के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आपके मन में एक चिंता जरूर से होगा कि हमारा जो पेपर है उसको हम लोग किस प्रकार सुंदर बनाएं, हमारा जो आंसर शीट होगा उसमें हम किस प्रकार की चीजें करें ताकि हमारा पेपर प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो एंड उसके हेल्प से हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके मन में भी यही सब डाउट था तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दोस्तों राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR Talks। तो दोस्तों देखो, पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि हम याद करते हैं क्वेश्चन के आंसर्स को, लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसी प्रकार पेपर को प्रेजेंट करना, क्योंकि आपका जो भी परसेंटेज बनेगा, जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपके नॉलेज पे तो मिलेंगे, लेकिन आप उस नॉलेज को किस प्रकार अपने आंसर शीट में उतार पा रहे हो उसके ऊपर भी मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लर्न तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं पाते एग्जाम में। तो वो लिख नहीं पाते तो आपको मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं, कोई आपको पूछने तो नहीं आएगा ना कि आपने कितना लर्न किया। आपको यह पूछने आएगा कि आपको रिजल्ट कितना आया, आपको परसेंटेज कितना आया, यही पूछेगा। तो यार, परसेंटेज अच्छे निकालने के लिए, रिजल्ट अच्छे निकालने के लिए आपको अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है 5 टिप्स टू प्रेजेंट पेपर इन योर एग्जाम्स। अब ये एग्जाम्स कोई भी हो सकता है, नॉर्मल स्कूल वाले, यूनिट टेस्ट वाले, फाइनल वाले, या फिर बोर्ड एग्जाम्स, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें आपको थियोरटिकल चीजें लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या है मेरी तरफ से वो 5 पॉइंट्स, तो चलिए शुरुआत करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट मेरी तरफ से, मेंटेन एप्रोप्रिएट मार्जिन। अब ये क्या होता है, मार्जिन क्या होता है भाई, ये तो पहली बार सुना, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो मार्जिन इज नथिंग बट ऐसे चीजें होती है आपके पास, जब आंसर शीट आता है तो आप हमेशा क्या करो, वो आंसर शीट में कोशिश करना कि आप लेफ्ट साइड जो होता है ना आपके, वो लेफ्ट साइड आपके मार्जिन बना होता है। आपको पता है कि एक मार्जिन जो एक लाइन होती है लेफ्ट साइड, वो बनी हुई होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ से भी एक मार्जिन जो है वो बनी हुई होती है इस प्रकार से, करेक्ट है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप आंसर लिखते हो, लेट सपोज कि आपने आंसर लिखा, ठीक है, समझ लो आप आंसर लिख रहे हो इस प्रकार से, तो जब भी आप ऐसा लिखने जाते हो तो आपका ये जो स्पेस है वो आपको कम पड़ता है। तो आप क्या करो, वो स्पेस तो कम पड़ने के लिए, या फिर ज्यादा आपका डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपके पेपर के एंड में, मतलब आपका जो राइट की तरफ का जो पार्ट है ना, वहां से भी एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर के आसपास का ना एक छोटा सा मार्जिन क्रिएट कर लो। इससे होगा क्या कि आपके पास ये लेफ्ट वाला मार्जिन और ये राइट वाला मार्जिन, दो लाइन आ जाएंगे, और ये दो लाइन के बीच में ही आपको जो भी आंसर लिखना है वो इन्हीं दो लाइन के बीच में आप लोग लिखोगे, जिससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन दिखने में कितना सुंदर दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हो गया आपके लिए सबसे पहला पॉइंट। तो एप्रोप्रिएट मार्जिन आपके आंसर शीट्स में ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ये कर सकते हो, और उससे आपका जो भी आंसर लिखोगे उसके अंदर उस दोनों मार्जिन के बीचों बीच लिखना, क्योंकि अगर ये इधर से ओवरलैप हो रहा है या फिर ये इधर से ओवरलैप दिख रहा है तो कितना गंदा दिखेगा, तो वो पेपर प्रेजेंटेशन खराब करता है। तो नंबर वन रूल यही है, मार्जिन अच्छे से बनाओ और उसको जितना हो सके अच्छे से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये हो गया आपके लिए सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मेरी तरफ से यह है कि ऑलवेज राइट न्यू क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज। जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन को लेते हो तो आप क्या लिखते हो, यहां पे जो लेफ्ट वाला मार्जिन होता है वहां पे आप लिखते हो क्वेश्चन नंबर वन। आप क्या लिखते हो यहां पे, आप लिखोगे यहां पे क्वेश्चन नंबर वन। तो जब क्वेश्चन नंबर वन लिख रहे हो तो समझ लो आपने उसका हेडिंग डाला, उसका सॉल्यूशन यहां पे लिखा। अब आपको क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करना है, तो इसी पेज में क्वेश्चन नंबर टू मत सॉल्व करना। बीच में लोग लाइन मार देते हैं, ऐसा बीच में लाइन खींच देते हैं और यहीं पे क्वेश्चन नंबर टू लिखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं, यहां पे खत्म हुआ, इधर पे एक लाइन खींच दिया, फिर यहीं से क्वेश्चन नंबर थ्री शुरू करते हैं। तो हमेशा नहीं करना ऐसा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है, अगर आपका एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन आ रहे, सब क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर वन चल रहा है लेकिन क्वेश्चन नंबर वन का ए चल रहा है, फिर आपको बी भी करना है, फिर आपको सी भी करना है, तो वो एक ही पेज में चलेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन अगर पूरा कंप्लीट हो गया एक पेज के अंदर और फिर भी आपका आधा पेज बचा हुआ है, समझ लो कि आपका ये जो हिस्सा है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा अगर बचा हुआ है तो फिर भी आपको वो स्पेस को यूटिलाइज नहीं करना है। ऑलवेज क्वेश्चन नंबर वन अगर एक पेज में कंप्लीट हो तो ऑलवेज एक नया फ्रेश पेज ले लो, और उस फ्रेश पेज में ही समझ लो कि आपका ये फ्रेश पेज मैंने क्रिएट किया यहां पर, हो गया आपका एक फ्रेश पेज। अब यही फ्रेश पेज के अंदर आपको लिखना है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। फिर ये क्वेश्चन नंबर टू समझ लो यहीं पे खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थ्री आपको करना है, तो यहां पे मत स्टार्ट करना, फिर वापस से आपको लेना है एक फ्रेश पेज, फिर आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर थ्री यहां से स्टार्ट करोगे। तो इससे आपका हर एक क्वेश्चन अलग अलग पेज में होगा, जिससे पेपर का जो चेक करने वाला है उसको समझने में आसानी होगी और पेपर दिखने में क्लीन दिखेगा, सुंदर दिखेगा, मिक्स नहीं होगा चीजें। थर्ड पॉइंट मेरी तरफ से यह है, ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं दोस्तों, इसको आप जरूर से अंडरलाइन करना।
ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लेट सपोज कि कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, आपने लिखा कि राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल सर इज वेरी गुड एट टीचिंग, तो वो गुड एट टीचिंग क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उसको अंडरलाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेन, पेंसिल, जो भी आपको करना है विद द हेल्प ऑफ चीजें अंडरलाइन करो। जैसे मैंने हमेशा मैं आपको बताया कि मैं भी जब पढ़ाता हूं तो मैं कुछ अंडरलाइन करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मैंने क्या किया अंडरलाइन किया, तो आपको ये पॉइंट हाईलाइट हो गया। तो ऑलवेज ट्राई टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे जो पेपर चेक कर रहा है आपने थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए वन बाय वन, बहुत सारे पॉइंट्स जब लिखे हुए हैं तो वो पॉइंट्स जो होंगे आपके वो हाईलाइटेड दिखेंगे और आपका जो पेपर चेक करने वाला होगा टीचर वो देखेगा कि हाँ यार इसने तो मेन पॉइंट से अंडरलाइन किया, वो जल्दी पढ़ लेगा और उसके बेस पे आपको मार्क्स दे देगा, अच्छे से फुल मार्क्स दे देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से चौथा पॉइंट ये है, डू नॉट ओवरकट। बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ आंसर लिखते हैं, लेट सपोज कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज, अब मेरा ये गलती हो गया समझ लो, ये क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज जो मैंने लिखा ये मेरा गलती हो गया, तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना ये ऐसा 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 करके कट कर देते हैं, इतना गंदा लिख रहा है ये कट के ना, बच्चे लोग क्या करते हैं दैट इज ओवर कट करते हैं। तो आपको ऐसा कट नहीं करना, आपका कुछ गलत हो गया तो सिंपली क्या करो, ऐसा कट मत करो, सिंपली एक लाइन खींच दो, बस ये हो गया आपका कट। तो इससे पता चल जाएगा चेक करने वाले को कि आपने कट किया है और ये दिखने में भी बहुत गंदा नहीं दिखेगा, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, कट हो गया, ठीक है। आपको एकदम गोजामाजी नहीं करना है, लोग गोजामाजी कर देते हैं पूरा एकदम गंदा कर देते हैं, जिसका पूरा छापा ना पीछे वाले पेज पे भी छापा आ जाता है, तो ऐसा मत करना, ठीक है, ऑलवेज अंडर कट करना, ओवर कट नहीं करना। नेक्स्ट स्क्रिबल मत करना, सेम वही चीज, बहुत सारे बच्चे पूरा ऐसा गोजमाज के पूरा स्क्रिबल कर देते, स्क्रिबल मत करना, रफ ज्यादा मत करना, जहां हो सके जितना कट बचा सकते उतना कट बचाना, क्योंकि हर जगह अगर समझ लो आपको कट दिख रहा है, यहां पे भी आपको ऐसा गंदा गंदा कट दिख रहा है, यहां पे भी आपको बहुत गंदा गंदा कट दिख रहा है, यहां पे भी आपको गंदा, ये दिखने में कितना गंदा दिख रहा है ना, तो ऐसा आपको कट नहीं करना है, जितना हो सके कट को अवॉइड करना है, आप लोग को समझ में आ रहा है, जितना कट नहीं रहेगा उतना अच्छा दिखेगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द गुड हैंडराइटिंग, जितना हो सके अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करो, एकदम नीट एंड क्लीन, जैसा मैं लिखता हूं देखो नीट एंड क्लीन, एक एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, एकदम एक एक अक्षर आपको नजर आएगा, तो इस प्रकार से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखोगे तो आपका बहुत सुंदर हैंडराइटिंग आएगा। और अवॉइड करो ये वाले हैंडराइटिंग, कर्सिव हैंडराइटिंग को अवॉइड करो। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे पूछते हैं कि सर कर्सिव में लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा बिल्कुल चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को कर्सिव समझ में नहीं आता यार, तो जो पेपर चेक करने वाला होगा उसको कर्सिव समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा, जितना उसको समझेगा उसके हिसाब से मार्क्स देगा, जितना नहीं समझेगा वो छोड़ देगा, वैसे ही ऑब्वियसली ना। तो आप जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज, एक एक वर्ड जैसा दिखे एकदम सिंपल साधारण सा हैंडराइटिंग लिखो, लेकिन वो क्लीन हो वो अच्छा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजें कर सकते हो, समझ में आ रहा है, करेक्ट है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब यहां पे जो मेरे लिए एक आखिरी पॉइंट है जो कि है दोस्तों, ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स, हमेशा जब आंसर लिखो तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो, जैसे कि मैंने ये 1 2 3 4 5 लिखा है, तो दिखने में कितना सुंदर लिख रहा है, देख रहे हो ये बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, मतलब 1 point 2 point 3 point 4 point ऐसा लिखा। अगर ऐसा पॉइंट वाइज नहीं लिखना है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये पॉइंट इधर पॉइंट लिखा, ये ऐसा डॉट, ये ऐसा पॉइंट लिखा, ये ऐसा डॉट, ऐसा पॉइंट लिखा, इसको बोलते बुलेट पॉइंट्स। ये तो नंबर सिस्टम हो गया, वैसे बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, आपका जो भी आंसर है लाइन बाय लाइन आएगा और एक एक करके आएगा पॉइंट वाइज, कितना अच्छा दिखेगा। ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम्स, जितना भी हो सके डायग्राम्स अगर है उसके रिलेटेड कुछ भी आपने रफ में भी डायग्राम अगर दिमाग में समझा होगा, कॉन्सेप्ट में भी समझा होगा, तो वो डायग्राम को वहीं पे बना के आओ तो सुंदर तरीके से, ताकि वो पेपर चेक करने वाला बोले अरे इसमें तो डायग्राम था ही नहीं लेकिन इसने डायग्राम बनाया और कितना दिमाग वाला बंदा है, तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा वहां पे। साथ ही में फ्लो चार्ट, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जहां पे फ्लो चार्ट होता है, साइंस में बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजों में बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां पे फ्लो चार्ट की जरूरत होती है, तो वहां पे फ्लो चार्ट बनाओ, आपका देखो कितना पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा और आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा वहां पे, ठीक है। तो जरूर से करना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो ये थे दोस्तों मेरी तरफ से ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों को आपके पेपर प्रेजेंटेशन में काफी हेल्प करेंगे, और डेफिनेटली अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका पेपर बहुत सुंदर दिखेगा, आपके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना हो सकेगा, तो जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट है फाइनल एग्जाम वाले स्टूडेंट है सबको ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। 100K बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो, ठीक है। तो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।